सर प्रजासत्ताक दिन आहे देशभरात जर वातावरण पाहिजे तर अनेक ठिकाणी घटना घडताना पाहायला मिळतो. भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं आपल्याला एकच गोष्ट लक्षामध्ये ठेवली पाहिजे की स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या नंतर जी राज्यघटना आपल्याला देशाला मिळाली त्या राज्यघटनेतल्या तरतुदींचं पालन करणं त्याच्यासाठी आपला आपण आग्रही असणं वेळप्रसंगी लढाई करणं या सगळ्या गोष्टी घडणं आणि त्याच्यामधून आपलं हे प्रजासत्ताक राज्य एक बलवान बनवणं हा आपल्या सगळ्यांच्या समोरचा कार्यक्रम असायला पाहिजे आणि आहे. सर वेगळा प्रश्न आहे, काल पहिला आपण का हायकोर्टातून कुठेतरी पोलीस महासंचालक पदावरून सरकारला आपण पाहायला मिळते, कसं बघते याकडे कधीही गुंतवून होणार? असं आहे की आता न्यायालयामध्ये अजून केस सुरू आहे, जी गोष्ट सबज्युडिस असते त्याच्या संदर्भामध्ये बाहेर प्रतिक्रिया देणं उचित नाही. न्यायालयाचा निर्णय अजून आलेला नाही, न्यायालयाचा निर्णय आल्याच्या नंतर त्याच्यावर बोलता येईल. कधी नियुक्ती होईल किंवा पुन्हा UPSC कडून आपण काही नाही. या संदर्भामध्ये राज्य सरकारने काही दिवसापूर्वीच UPSC ला आमचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे, UPSC ने अजून त्याच्यावर निर्णय घेतलेला नाही. दरम्यान हे न्यायालयीन प्रकरण पुढे आलेलं आहे आणि म्हणून आता एकतर न्यायालयाने निर्णय घ्यावा लागेल किंवा UPSC ने निर्णय घ्यावा लागेल. साहब जिस तरह से महाराष्ट्र में हाल ही में दो बड़ी महिलाओं के अपमान के मामले आए, क्लब हाउस बुली भाई है, इस तरह को गृह मंत्रालय किस तरह से देख रहा है? कार्रवाई तो हुई है 21 बरस में, लेकिन कितने गंभीरता से देख रहा है? ऐसा ये कोई महाराष्ट्र की घटना नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पे जो घटना सामने आई है और इसके लिए मुझे बहुत गर्व के साथ कहना होगा कि मुंबई के पुलिस ने और महाराष्ट्र की पुलिस ने इसको ढूंढ के निकाला और लोगों को अरेस्ट भी किया, एक्शन दिया. पंडित साहब एक सवाल था कि परमवीर सिंह मामले को देखें, देशमुख साहब जिस तरह से पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं, जांच आयोग के सामने भी पूरी तरह से पेश हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी तस्वीर साफ हो गई, बयानबाजी भी हो रही है, उनकी जमानत नहीं हो रही है, और परमवीर सिंह का मामला लगता नहीं कि धीरे धीरे धरती में नीचे धंसता जा रहा है? ऐसा तो लगता नहीं, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि उसका भी सारा कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और कमीशन के सामने भी चल रहा है. सवाल था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 2 महीने बाद आपके साथ शिवाजी पार्क नजर आए, वर्षा बोले भी ध्वजारोहण किया, क्या कुछ तबीयत को लेकर कहेंगे? जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था बार बार सरकार पे कि बिना मुख्यमंत्री के सरकार चल रही है. नहीं नहीं, वो बिल्कुल उनकी तबीयत अच्छी है और वो पूरा काम कर रही है, जो भी फाइल्स है, जो भी निर्णय लेने हैं वो निर्णय वो ले रहे हैं, इसलिए विपक्ष ने क्या आरोप लगाना वो उनका काम है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है. महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के भीतर ही काम कर रहे हैं. सर सिक्योरिटी को लेके काफ़ी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट हो गई है, CCTV के अलग से इंतजाम हो रहे हैं, रेलवे पुलिस ने भी आप अलग से CCTV के अलग से नए कमरे जाती है, क्या ऐसा कोई अलर्ट आया है क्या महाराष्ट्र में कोई ऐसी घटना होने की संभावना है? नहीं नहीं, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है और कंटिन्यूसली हाई अलर्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं. कोई नया प्रपोजल है मुंबई में सिक्योरिटी में और CCTV कैमरे लगाने? काफ़ी प्रपोजल है और उसका इम्प्लिमेंटेशन भी हो रहा है. सर मालाडमध्ये एका उद्यानाच्या नावावरनं वाद समोर आलेला आहे आणि दोन समाजात कुठेतरी तेढ निर्माणचा प्रश्न होऊ शकतो, काय आव्हान करायला? मला असं वाटतं की अशा गोष्टींवरून
विनाकारण वाद निर्माण होईल किंवा तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारची कृत्य कोणाकडूनच घडू नये आणि त्याच्यासाठी विनाकारण शांततेने चाललेलं सगळ्या गोष्टी त्याला बाधा पोचते, त्यामुळे असे प्रकार शक्यतो टाळले पाहिजे. सर, याची टॉपिक हिंदी चालते का? 3:30 बजे सर.